अस्सलाम वालेकुम, फरीदा की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ दो तरीके से बर्गर। ये चिकन का ही बर्गर है, इसे मैं दो तरीके से बनाऊंगी, एक अंडे वाला बर्गर और एक चीज़ वाला। तो चलिए बर्गर बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए पहले हम चिकन की टिकिया बना लेते हैं। उसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम बोनलेस चिकन। मिक्सर जार में सबसे पहले चिकन डालेंगे। एक बड़ा चम्मच मेयोनीज डालेंगे, आधी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, दो हरी मिर्च, इसमें ऐड करेंगे थोड़ा पुदीना, थोड़े हरे धनिए, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच सूखे धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, इसमें ऐड करेंगे चिकन मसाला, ब्लैक पेपर, एक चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर। अब लास्ट में स्वाद अनुसार नमक। अब मिक्सर जार में पीस लेंगे। ये देखिए हमारा टिकिया का मसाला रेडी हो चुका है। इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच तेल। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन बर्गर की पेटी को इस तरह से हम गोल आकार देंगे। देखिए इस तरह से टिकिया बनाना है। नॉनस्टिक तवे पे थोड़ा सा तेल डालेंगे। इसे हमें हाई फ्लेम पर रखना है। टिकिया डाले बाद धीमी आंच पर रखेंगे। अब दूसरी भी टिकिया डाल देंगे। बर्गर के पाव को इस तरह से काट लेंगे। हमारी टिकिया रेडी हो चुकी है, अब इसे हम निकाल लेंगे। बर्गर के पाव को बटर में सेक लेंगे। आप चाहे तो तेल में भी सेक सकते हो। ये मैंने घर पर लाल मिर्च की लहसुन की चटनी बनाई है। इसमें मैं मेयोनीज मिक्स करूँगी। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बन पाव में सबसे पहले हम मेयोनीज लगाएंगे, उसके बाद रखेंगे गोभी पत्ता। अब रखेंगे चिकन की टिकिया। प्याज को इस तरह से गोल काट लिया है, अब इसे एक एक करके रख लेंगे। टमाटर को भी इस तरह से रख देंगे। इसी तरह से ककड़ी की स्लाइस को भी रख देंगे। ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला और नमक डालेंगे। लहसुन और मेयोनीज की चटनी डालेंगे। अब सबसे आखिर में चीज की स्लाइस को रखेंगे। थोड़ा तीखापन लाने के लिए मेयोनीज और लहसुन की चटनी लगाएंगे।
देखिए चीज़ बर्गर तैयार हो चुका है। अब अंडे वाला बर्गर बनाएंगे। सबसे पहले पत्ता गोभी लेंगे, उसमें मेयोनीज डालेंगे और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। ऑलरेडी टिकिया तो बन चुकी है, अब सबसे पहले अंडा डालेंगे। अंडे में थोड़ी काली मिर्च और नमक डालेंगे। चिकन की टिक्की को अंडे पर डाल देंगे। अब आहिस्ता से इसे पलट देंगे। बन पाव गरम हो चुके हैं, अब मेयोनीज डालेंगे। अब डालेंगे लहसुन की चटनी, थोड़े हरे धनिए, थोड़ी प्याज, मेयोनीज वाली पत्ता गोभी और थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे और इस बन पर टोमेटो सॉस लगाएंगे। अंडे की टिकिया को इसके ऊपर रख देंगे। ये देखिए हमारा अंडा चिकन बर्गर बन चुका है। आप चाहो तो कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हो। आपको दोनों बर्गर में से कौन सा बर्गर अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।